now. हेलो फ्रेंड्स, मैं कल्पना आप सभी का स्वागत करती हूँ सान्या गार्डनिंग चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि हम कलांचो के प्लांट को समर में किस तरह से सेव करके रख लेंगे, जिससे कि जब विंटर स्टार्ट होगा तो फिर से हमारे जितने भी कलांचो के प्लांट हैं इनमें ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी और उनमें फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। समर में भी ये थोड़ी बहुत ग्रोथ करते रहते हैं, इनकी जो न्यू लीव्स हैं वो आती रहती हैं। तो किस तरह से, अब जैसा कि अब गर्मी बहुत ज़्यादा होने लगी है तो अब हम इन प्लांट्स को सेव करेंगे। जो देसी जो इसकी वैरायटी होती है, ये वाली जो वैरायटी है, ये इसके जो फ्लावर्स है अब वो सूखने भी लगे हैं और अब हम इन्हें सेव कर लेंगे। ये थोड़े से हार्डी प्लांट होते हैं, इन्हें सेव करना आसान होता है, लेकिन जो ये वाले जो वेरीगेटेड जो इसकी वैरायटी आती है इसको थोड़ा सा सेव करना मुश्किल होता है और इस पर अभी फ्लावरिंग हो रही है। तो जो वेरीगेटेड वाले जो प्लांट्स है इनको भी मैं ऐसे रहने दूंगी, इन्हें अभी मैं सेव नहीं करूंगी। तो अभी जो ये देसी वाले जितने भी हमारे कलांचो के प्लांट है इनको हम सेव कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसे हम किस तरह से सेव करेंगे। तो फ्रेंड, सबसे पहले हमें क्या करना है, जितने भी इसके फ्लावर्स जहां जहां से ग्रो कर रहे थे, सभी जितने भी फ्लावर्स के सूख गए हैं सभी को हम क्या करेंगे, इस तरह से रिमूव कर देंगे। तो चलिए पहले मैं जितने भी फ्लावर्स इसके हैं सभी को रिमूव कर देती हूँ। तो ये देखिए, सभी फ्लावर्स को रिमूव कर दिया। रिमूव करने के बाद अब कटर की सहायता से मैं इसकी हार्ड प्रूनिंग कर दूंगी, मतलब इसकी जो ब्रांचेस है वो बहुत बड़ी बड़ी हो गई हैं और जितने भी हमारे पॉट्स हैं उसमें से थोड़ा सा लटकने भी लगे हैं। तो मैं क्या करूंगी, इसको कट करके सभी को पॉट के अंदर जितने भी इसकी ब्रांचेस हैं सिर्फ उसको रहने दूंगी और सभी को मैं कट करके हटा दूंगी। तो चलिए सभी, पहले मैं इसकी अच्छे से हार्ड प्रूनिंग कर लेती हूँ और सभी ब्रांचेस को अच्छे से कट कर लेती हूँ। तो आपको भी यही सेम स्टेप करना है, आपको भी आपके प्लांट्स की जो ग्रोथ है बहुत ज्यादा हो गई होगी तो सभी को आप अच्छे से कट कर लीजिए। कट करने के बाद आपके पॉट में जितने भी जो ब्रांचेस होंगी बस उन्हीं रहने दीजिए, क्योंकि ये समर में भी अच्छे से ग्रो होते रहते हैं, ये खराब नहीं होता है जल्दी ये प्लांट। तो फ्रेंड्स, इस तरह से ये देखिए, जितने भी बाहर के ब्रांचेस है सभी को मैंने कट कर दिया। कट करने के बाद अब मैं इसे कंपोस्ट दूंगी। कंपोस्ट में इसे वर्मी कंपोस्ट और बोन मिल मिक्स करके दे रही हूँ, तभी इस पर जो ग्रोथ है वो अच्छी होती रहेगी। और इस समय मैंने इसकी हार्ड प्रूनिंग की है इसलिए मैं इसको पहले अच्छे से कंपोस्ट दे दूंगी। कंपोस्ट देने के बाद नेक्स्ट मैं इसे कंपोस्ट अब समर में बिल्कुल भी नहीं देने वाली। जब अक्टूबर का मंथ आएगा उस समय जब विंटर्स के जो प्लांट आने स्टार्ट हो जाते हैं तब मैं इसे फिर से फर्टिलाइजर दूंगी, और बीच में इसे फर्टिलाइजर देने की जरूरत नहीं होती है क्योंकि ये बहुत ही हार्डी प्लांट है और वो अच्छे से सर्वाइव कर लेता है। बस आपको थोड़ा सा सनलाइट का ध्यान देना है कि बिल्कुल फुल सनलाइट में नहीं रखेंगे। फुल सनलाइट में रखने पे इसकी जो लीव्स होती हैं वो बहुत ज्यादा डार्क रेड कलर की हो जाती है और प्लांट जो धीरे धीरे ड्राई होने लगता है। तो आप इसको थोड़ा सा सेमी शेड में रखिएगा और बिल्कुल भी लो लाइट में भी नहीं रखना है, नहीं तो ये एक सर्कुलेंट है, इसकी जो स्टेम्स होती है उसमें पानी रहता है, इसकी जो लीव्स होती है वो भी उसमें भी पानी होता है, जिसकी वजह से हमारा जो प्लांट है वो अगर आपने सेडी एरिया में रख दिया तो भी हमारा जो प्लांट है वो खराब हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने इसको फर्टिलाइजर दे दिया और पानी दे दिया। पानी का भी विशेष ध्यान देना है इस समय जब समर होता है, क्योंकि इस समय हमारा जो कलांचो का प्लांट है से ज्यादा पानी की जरूरत नहीं रहती है, बस जब सॉइल सूख जाए तब आप इसे फिर से पानी दे दीजिएगा। तो इस तरह से आप अपने कलांचो के प्लांट को समर में सेव कर सकते हैं। तो मेरा आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। थैंक यू।